बार आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं SEO न्यूज़। नमस्कार, स्वागत है आपका SEO न्यूज़ में और मैं हूँ आपके साथ यूनुस। मैं हूँ अभी बिहार के सिवान जिला में और सिवान जिला ऐसे ही सुर्खियों में बना रहता है और बहड़िया विधानसभा सबसे बड़ा विधानसभा है। हम बता दें, बहड़िया विधानसभा के अंतर्गत में सिसवा एक गांव आता है और इस गांव में इस तरीके से बिल्ला बनाया गया है कि खूबसूरती इसकी कम नहीं है। सोशल साइट पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था तो मुझसे भी टोलरेट नहीं हुआ। मैं भी सोचा क्यों ना वहाँ पर जाए और उस नज़ारा को दिखाया जाए। चार बिल्ला बना हुआ है और 3D लुक में बना हुआ है। हम बात करेंगे अल नज़ीर बिल्डर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर मुन्ना हवी भाई से। यंग है, नया चेहरा है, उभर रहे हैं, लेकिन बिल्ला बेहतरीन तरीके से इन्होंने जिस तरीके से स्ट्रक्चर को यहाँ पे लगाया है, हम जानने की कोशिश करेंगे कितना दिनों का प्रयास रहा, कितना दिन में ये बिल्ला बनकर तैयार हो गया है। चूँकि कई लोग इसके फोटोज़ को हो या वीडियोज़ हो अपने आईडी से शेयर कर रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। चलिए, पहला सवाल आपसे यही रहेगा, ये आप लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर को तैयारी किए हैं, ये कॉपी है या खुद से क्रिएट किया गया है? नहीं, ये खुद से क्रिएट किया गया, अपना खुद का विज़न है ये जो कि 2010 में ये विज़न मैं देखा था, ताकि इस तरह का हमको अपने गांव में अपनी जगह पर ही विला बनाना है। जी। आखिर इसका इंजीनियर कहाँ के थे? अपने बिहार के थे या आउट ऑफ बिहार थे या आउट ऑफ इंडिया थे? इंजीनियर एक्चुअली बिहार से ही बिलोंग करते हैं, बट उनसे मैं दिल्ली में मिला। इस तरह का डिज़ाइन जो मैं काफ़ी इंजीनियर से मिला, लेकिन उस तरह का वो लोग मेरे विज़न को दे नहीं पाया। लेकिन एक इंजीनियर जो आज के डेट में हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं, हमारे काफ़ी अजीज हैं, जिनका नाम टीपू शेख है, उनसे मैं मिला तो फिर वो हमारे विज़न को एक एक चीज़ को वो दिए, क्लियर दिए, और जो मैं जिस तरह से चाह रहा था, जो डिज़ाइन हो, जिस तरह से हमारा विला का लुक जो है वो आए, तो सिर्फ मेरा विज़न था, लेकिन रियल में उन्होंने उसको हकीकत में लाके पूरा किया, कंप्लीट किया। जो आपका उम्मीद था, आपकी उम्मीदों पे पूरा आपके इंजीनियर साहब खरा उतर पाए हैं? हाँ, उम्मीद से ज़्यादा ही खरा उतर गए, क्योंकि मेरा विज़न से भी अच्छा उन्होंने कर दिखाया। कब बुनियाद रखा गया था यहाँ पे? इसका बुनियाद लगभग 2017 में रखा गया था और ये 2021 में कंप्लीट हुआ। ऑलमोस्ट 4 ईयर्स, 4 साल में इंजीनियर साहब ने चौका लगा दिया। अब इंजीनियर साहब इतने काबिल हैं तो अब ये तो अपना रेजिडेंशियल प्लान है, लेकिन कमर्शियल का भी सोच रहे हैं, तो उसमें इंजीनियर साहब छक्का लगाएंगे आने वाले दिनों में। लेकिन आपसे एक गंभीर सवाल है मेरा, एक आप लोग बिल्डर्स हैं बढ़रिया के, सिवान को आगे बढ़ाने में, बिहार के आगे बढ़ाने में आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहता है, आगे की सोच क्या है बिल्डिंग के लाइन से? एक बिल्डर्स हैं, कंपनी चलाते हैं। देखिए, आगे का है कि हम लोग का सोच काफ़ी हाई है कि जो भी करना है, जो भी बिल्डिंग बने, यूनिक बने, डिफरेंस बने, और हम लोग कोई भी काम को बड़ा करना चाहते हैं, नहीं तो छोटा भी काम हो तो उसको बिल्कुल डिफरेंस तरीक़ा से करना चाहते हैं। आप लोग के थ्रू लगभग कितना लोगों को रोज़गार मिल गया है? लगभग हम लोग के थ्रू तो लगभग 1000+ लोग जो है अपने एम्प्लॉई हैं, जो कि यहाँ पे गल्फ में, इंडिया में काम करते हैं। हाँ, लेकिन इसको कि मल्टीप्लाई करना है 10 गुना हर ईयर। यस, इसको इंक्रीज में लग जाना है इसको। हाँ, कि एम्प्लॉयमेंट जो है कि देख ही रहे हैं, कोविड की वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं और मिडिल क्लास तो ऐसे देख रहे हैं कि फीस नहीं दे पा रहे हैं, मिडिल क्लास के लोग भी परेशानी में आ चुके हैं। तो हम लोग का सोच है कि अब तो जितना है इस दुनिया का तो पूरा दुख कम नहीं किया जा सकता है, लेकिन अपने तरफ से जितनी कोशिश हो उतना रोज़गार को बढ़ाना है, और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं बड़े लेवल पे कि आने वाले टाइम में हमारे ये सोच है कि आने वाले 10 साल में लाखों एम्प्लॉई काम करें। क्योंकि सवाल हम आपसे इसलिए कि जितना आपका जो भी बना है, जैसे मुर्गी का फॉर्म हो, बहुत ऐसे आप ये बनाए हैं, आप कारखाना इधर में अपने ही लोकल एरिया में बनाए हैं आप? हमारा शुरू से ही ये सोच था कि अपने जगह को, जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ, अपने गांव को डेवलप करना है, और वही बस मैं कर रहा हूँ, क्योंकि उसे करने में मुझे सुकून मिलता है। एक और सवाल है कि लोगों का इंस्पायरिंग मिलेगा इससे, हम थोड़ा सा एजुकेशन पे, आपका एजुकेशन क्या है टोटल? मैं MBA होल्डर हूँ। ठीक है, कहाँ से, यहीं से की या? नहीं, मैं डिस्टेंस से किया था, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से MBA। जी। तो चलिए, हम बात कर रहे हैं, इस बिल्डिंग को निखारे हैं, और मैंने शब्द नहीं बनता है इनके लिए जिस तरीके से टीपू भाई हैं और काफ़ी दिनों से बने हुए हैं, तो हम जानेंगे टीपू भाई ये बिहार में पहला ऐसा स्ट्रक्चर बनाए हैं या इसके अलावा कहीं और भी बिहार में? नहीं, बिहार में तो कई सारे छोटे छोटे बना के हमने दिए हैं हर जगह, पटना में भी, एक लवान है करबला बाज़ार
वहाँ भी एक है राजा बाबू है, उनका भी घर हमने डिजाइन किया। सिवान में भी आपके कई सारे हमने किया है, फिर मुजफ्फरपुर है, बिहार में बहुत सारा किया है, बट ये हमारा एज ए पर्सनल प्रोजेक्ट पहला है। बट हमने डिज़ाइन करके दिया, इसको हमने एज ए कंसल्टेंट बनाया भी है, खुद से ही सब कुछ किया भी है हमने ही। कितना दिन लगा नक्शा को तैयार करने में? नक्शा बनाने में मेरे ख्याल से लगभग 6 मंथ के आसपास, हाँ 6 मंथ के आसपास लगा था। कई सारे टीम है, आर्किटेक्चर फर्म है हमारी एक्चुअली, और इसमें काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, सिर्फ हम ही नहीं है, हमारी पूरी टीम है इसमें। कारीगर कहाँ कहाँ के इसमें आए थे? अच्छा, मैन पावर ज़्यादातर जो कॉन्ट्रेक्टर तो लोकल ही थे, और जो डिज़ाइन किए हैं कुछ राजस्थान, कुछ दिल्ली, कुछ यूपी से लाया गया था, कुछ हरियाणा के भी थे, अपने बिहार के भी बहुत सारे थे लोकल, कुछ बाहर के। इन्हें आउट ऑफ बिहार के कारीगर इसमें कार्य किए हैं, 4 साल तक लगातार कार्य चलता रहा इसमें। बिल्कुल। चलिए एक सवाल और है, इतना अच्छा आपने स्ट्रक्चर को तैयार किया है, सिवान में आपको कोई बढ़िया स्ट्रक्चर मिला है कि नहीं मिला है? नहीं, अभी देखिए इधर तो उतना ज़्यादा अभी इनका क्रेज नहीं है। हाँ, कमर्शियल बिल्डिंग एक होटल आपके बढ़िया में बन रहा है, नाम तो उसका नहीं, लेकिन उसका डिज़ाइन हमने किया, अभी नाम रखा भी नहीं है। जिनके ऑनर सफर इमाम खान साहब है, उनका होटल है, मैरिज हॉल बन रहा है बरहड़िया में। जी जी, उनका भी डिज़ाइन हमने करके दिया, काफ़ी खूबसूरत वो भी बन रहा है, अभी स्ट्रक्चर साथ बन रहा है करबला में।